केदारनाथ की विशेषता यह है कि भगवान केदारनाथ की पीठ की पूजा होती है, भगवान के चरणों की पूजा होती है संतों की। हाँ, अगर आप काश्मीर में जाए तो उनके सिर की पूजा होती है, अगर आप पाकिस्तान में चले जाए आपको पाकिस्तान तक हो गया संतों के दल से हिंदुस्तान वहाँ पर उनके पैरों की पूजा होती थी, वहाँ पर उसकी पीठ की पूजा होती है भगवान की। और वहाँ पर एक काला पक्ष निकला हुआ था करीब 8-9 मील का और वही शिवलिंग फैला था, उसी को शिवलिंग कहते हैं। वहाँ पर घी लगाने का बहुत महत्व है, लोग अंदर जाते हैं पीठ पर घी लगाते हैं और भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। मगर वो इतना चिकना हो गया घी लगाते लगाते आप लोग घी लगाएंगे तो ही अंदर चले जाएंगे, घी घी उस अंदर मूल मूर्ति के ऊपर दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि आपने घी लगाया तो औरत किया तो उसका ज्यादा घी लगाते और जब पहले घी लगाए तो उन्हीं थोड़ी दूसरी को उसका मूल जो पत्थर है मूल सुनियों में वो तो भगवान का नगर कहाँ है कितनी गहराई में, इसलिए जब आप जाए तो सब भीड़ खत्म हो जाए सुबह 11-12 बजे तब जाकर दर्शन करें और तो अनुकूल आपको उससे पीठ के दर्शन हो पाएंगे घी वाले उसको हाथ देख कर आ जाएंगे कुंड के बाहर पूरा कुंड है, एक सत्य कुंड गर्म कुंड है एक कूड़ा कुंड, और ये गर्म कुंड इतना अधिक भाप निकलती है कि लोग वहाँ पर एक रोटी में आलू और चावल पान करते हैं उसमें भर देते हैं और तीन में चार आलू भी पक जाते हैं चावल भर जाते हैं लोग खाते हैं, उन्हें पकाने के लिए आग जलाने के लिए इतना गर्म कुंड है सत्य कुंड। उस पानी की विशेषता और है क्योंकि गर्म जहाँ भी होंगे अमरकंटक में भी है और बद्रीनाथ में भी है केदारनाथ में भी है काश्मीर में भी है जहाँ की झीलम निकलती है, क्योंकि सारा काश्मीर झीलम के किनारे रखा हुआ है, वो जल झील झीलम की बनी है और झीलम नदी किसी पहाड़ से नहीं निकली, वह तो केवल एक फुट लंबे एक फुट चौड़े खड्डा है उस जमीन में जो पानी छोटा निकला है उससे फूट झील निकली, मगर जहाँ पर भी ये सब कुछ होंगे सत्य कुंड तभी बनता है जब वो कहीं नीचे गंडक का स्रोत होगा, तो गंडक में पानी डालने से गर्म बनता है पानी, वाली बात की दूरदर्शन लोगों को देखने को भगवान की मेहरबानी लीला है, ये लीला जरूर है नीचे कहीं की गंडक का पहाड़ होगा गंडक का स्रोत होगा उसके ऊपर पानी जो बहता है वो अभी कुंड बनता है, जो कि भगवान गंडक जी कटेंगे पानी डाली है
मगर गंडक युक्त पानी की विशेषता ये होती है कई लोगों के मुताबिक, इसलिए उस पानी की जो विशेषता है कि यदि उस पानी का स्नान किया जाए पांच सात दिन तो कई लोग मिल जाते हैं, यदि फूल हो गए और चेहरे पर या शरीर पर या किसी प्रकार के चूड़ी के रोग हों तो उससे मिल जाते हैं। फिर उसके दर्शन करके लोग वापिस रामपुर आ जाते हैं, वही राशि स्नान करते हैं, उसके बाद गौरी क्षमता अपनी यात्रा के लिए केदारनाथ की यात्रा उतनी कोई समाप्त नहीं मिला, यह तो सामान्य आदमी लोग जो जैसे वो जो केदारनाथ की यात्रा के उनकी विशेषता में पूरी की विशेषता यह है कि केदारनाथ के मंदिर के पीछे पांडवों की तीर्थ स्थली है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास किया था और भगवान शंकर की पूजा की, इसलिए उस मंदिर को देखना बहुत अधिक आवश्यक है और महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मूल मंदिर के पीछे करीब दो तीन हजार दूर है, वहाँ से दिखाई देता है लोग जाते नहीं केदारनाथ के विष्णु को आ जाते हैं और केदारनाथ के विष्णु के भी दो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ से ही यमुना नदी निकलती है और उसकी केदारनाथ को साथ में से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो यमुना के मोड़ उपरी तक पहुँच पाएंगे, मगर लोग कहते नहीं है की बस्ती का स्थान है भगत जो बहादुर होते हैं काफिस्तान होते हैं उतर सकते हैं और वहाँ से एक किलोमीटर और चढ़ना पड़ेगा आपको तब आपको दिखाई। मैंने इसका पूरा विवरण भी दिया है दूसरी केदारनाथ इस मंदिर से यदि आप सुबह निकले करीब आठ बजे निकल जाएं दर्शन करके तो वहाँ से तीन किलोमीटर ऊपर बहुत बड़ी मनोबल झील है, इसका नाम है मनोबल, संसार की सर्वश्रेष्ठ झील है सुखर, क्योंकि उसका पानी बिल्कुल बिल्लोरी पानी नील नील युक्त पानी नील में भरती है बिल्कुल नीला पानी और इतना साफ और स्वच्छ पानी है कि आप उसमें दिखा पहुंचे तो तलेटी में जाने पर दूसरे के अक्षर आ पड़ सकते, इतना साफ पानी बड़ा शांतिदायक झील है आनंददायक झील है। मगर वो स्थान दूरदायक है जहाँ पर भगवान शिव ने अपनी पूरी जगह खोल करके और गंगा को प्रवाहित किया, वहाँ से वहाँ पर गंगोत्री है, वहाँ तो उन्होंने भागीरथी और स्वर्ग से गंगा को अपनी सिर पर लिया था और जटाओं में ही बहुत गंगोत्री स्थान है और यहाँ पर पूरी अवस्था में उन्होंने पूरी जगह बिछेड़ करके उस गंगा को बिछेड़ दिया था, वह गंगा जो बिछेड़ी हुई थी उसको मनोबल झील कहा गया, बहुत बड़ी झील है जहाँ समुद्र की तरह आप नजर जितने जाएंगे पानी पानी नजर आएगा, तो सारा झील बिल्कुल सुरम्य सुंदर और साफ और स्वच्छ पानी है और रश्मीय स्थान है।